हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टुडे इज सैटरडे। आज मैं जा रहा हूँ रूट्स कंट्री स्कूल बागी कोटखाई, क्योंकि वहाँ पर मुझे रग्बी और कराटे के ट्रायल्स लेने हैं, क्योंकि अपकमिंग चैंपियनशिप्स आनी है स्टेट और नेशनल। तो ले चलते हैं आपको आज खूबसूरत वादियों में कोटखाई की, और आप बने रहिए इस चैनल में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। 200 मीटर आगे पहुंचा ही था, देन आई रियलाइज्ड कि येलो बत्ती ऑन है, फ्यूल इंडिकेशन आ रहा है, टंकी खाली है। तो ये टाइम आ गया है अब इसको थोड़ा टियागो को थोड़ा पिलाने का पेट्रोल। पर थैंकफुली सामने ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और गाइस मैं ना इंडियन ऑयल में ही तेल भरवाता हूँ। आई लव इंडियन ऑयल। और इंडियन ऑयल में भी कौन सा मैक्सिमम टाइम में कोशिश करता हूँ, मेरे साथ में जो ये सामने दिख रहा है आपको मलयाना पेट्रोल पंप, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अपनी गाड़ी को तेल डलवाऊँ। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं है कुछ। तो पहुँच गए हैं मलयाना पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल पर। यार आज तो रश है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। 15 मिनट बाद नंबर आएगा लग रहा है। तो टैंक ही पूरी फुल है, 473 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अब शुरू करते हैं यात्रा। दिख रहे हैं आपको सामने मधुमक्खियां, शीशे चढ़ा लिए मैंने टाइम से। तो ये है यहाँ पर किसान बागवान लोग ले जाते हैं इसको फ्लावरिंग एंड ऑल के लिए, और साथ में ये शहद का बिजनेस भी हो सकता है। तो हम लोग पहुँचे अभी, हम लोग क्या यार, मैं पहुँचा हूँ अभी लाफू घाटी, और बहुत लेट हो गया मैं। इट्स ऑलमोस्ट यू कैन सी 6-6 बजे। एक्चुअली मुझे एक बैनर लेना था रग्बी का ठेक से, तो वो बहुत लेट हो गया, तो आई एम रनिंग लेट। अब मुझे लग रहा है अब मैं 8 बजे पहुंचूंगा रूट्स। जस्ट क्रॉस्ड मतियाना, ये देखो, वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली और अच्छी रोड्स, चलाने के मज़े। और यहाँ पे आई थिंक स्पोर्ट्स हॉस्टल भी है मतियाना में, स्पोर्ट्स हॉस्टल मतियाना। और आगे शिलारू भी आएगा, वहाँ भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये देखो सामने कैसे लग रहा है, ये लगाए हुए हेल नेट्स, ताकि जब ओले तूफान कुछ आता है, ओले आते हैं, तो जो क्रॉप है सेब की क्रॉप है वो बच सके। तो कितना सुंदर लग रहा है। और देखो देखो मुझे क्या मिला, इंडिया इंडियन ट्राई कलर में नैनो। पानी की बोतल लेने के लिए रुका था यार, और देखो क्या व्यू है। और 6:30 हो रहे हैं लगभग, और अभी भी धूप है। हाइट्स पे यही मज़े हैं, सनसेट जो है बहुत लेट होता है, लेट। तो दिस इज़ प्लेस कॉल्ड शिलारू, और मैं यहाँ रुका हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। ये देखिए आप, वाओ, दिस इज़ हॉकी स्टेडियम गाइस, बहुत ज़्यादा हाइट पर और बहुत ब्यूटीफुल है। देखो कितना सुंदर ग्राउंड है, टर्फ, और सामने ये वादियाँ। तो मैं पहुंच गया हूं नारकंडा, और यहां पर तो पूरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। टेम्परेचर डाउन हो गया, ठंड होगी, बादल काले काले हैं ऊपर, और ये बड़ी हिस्टोरिक जगह है यार। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, अब शिमला नहीं रुकता है कोई, नारकंडा आते हैं, यहाँ से हाटू जाते हैं। तो मुझे भी यहीं से कट मारना है, एक रोड जाएगा रामपुर, एक जाएगा बागी। तो ये है, पर सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ यार, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही फेमस और आइकॉनिक ढाबा है ये सामने, नेकी ढाबा। इट्स वेरी ओल्ड एंड अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। तो फाइनली मैं रुक रहा हूँ गाइज, और इसके बाद जाऊँगा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ।
तो यार चौमीन खाई हाफ प्लेट, आत्मा तृप्त होगी कसम से। वैसे मैंने बहुत सालों बाद चौमीन खाई होगी। तो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू नारकंडा और होटल हाटू सामने। अब मुझे चलना पड़ेगा सीधा अपने मिशन पे बागी। तो यार अब अंधेरा हो गया है, इट्स 7:10 ऑलमोस्ट। आई हैव रीच्ड बागी मार्केट। यहाँ से कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। ये शानदार सेब के पेड़ और इन पे लगी हेलनेट। तो यार अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल, मुझे लेट हो गई थी, 8 बज गया, लेकिन हम पहुँच गए हैं बागी। और ये स्कूल आई थिंक 2003 में ओपन हुआ था, इट्स बीन 20 ईयर्स। और बहुत ही शानदार स्कूल है, आपको इस व्लॉग में आगे दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमारा रग्बी और कराटे के ट्रायल्स लेने हैं मुझे, और मैं बहुत सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ यार। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रूट्स कंट्री स्कूल कोटखाई। वी आर इन रूट्स कंट्री स्कूल चेक पोस्ट और खुलने वाले हैं किवाड़। रूट्स, तो ये है रूट्स। और थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक इन था अभी। और अब ये देखिए नीचे कौन है, हमारे अनिल भाई। और हमारी गाड़ी जाएगी सीधा रूट्स कंट्री स्कूल के कैंपस में। वाओ, तो आई एम फाइनली इन रूट्स। अनिल भाई सामने हैं और ये स्कूल है। और अब अनिल भैया मिले जाएंगे शायद चाय पानी के लिए। वी आर इन कैफेटेरिया राइट नाउ। और आज देखते हैं क्या मेन्यू रहता है रूट्स कंट्री स्कूल में। ये देखो रूट्स की हॉस्पिटैलिटी, चिकन करी विद रोटी मशीन की छोटी छोटी और सैलड। वाओ जबरदस्त, थैंक्स टू भैया। भाई बहुत ठंड है यार, ऐसा लग रहा है आप दिसंबर में आ गए हो गई। ये है मज़े बागी के शिमला के, देखो मई में भी इतनी ठंड। तो गाइस मैं आ गया हूँ रूम, और यार बहुत ही सही रूम दिया है मुझे रूट्स वालों ने, ऑल थैंक्स टू अनिल सर। तो ये है, और सुबह मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से व्यू भी बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन अभी तो दिखेगा नहीं। ऐसा रूम है और 2 टॉवल्स दिए हैं, ब्यूटीफुल। सर्दियों में मई के महीने में भी 2 कंबल रसाई लेके सोना पड़ता है। ओह गॉड, गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली मैं उठ गया हूँ इतनी कंबल रजाई लेकर। और अब दिखाता हूँ व्यू आपको, दिस इज द व्यू यार, awesome। बहुत ही सही व्यू है यहाँ से, बहुत सही। ये देखो ये है रूट स्कूल, ये वादियाँ, क्या यार जबरदस्त। यार यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है ना, मैंने ऐसे हुडी स्वेटर ये सब कुछ पहन लिया। सीरियसली मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और आज बारिश हुई है यहाँ पे, सामने मेरी गाड़ी लगी है और वेदर हो गया बहुत ठंडा। सो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, और आज है ब्रेकफास्ट में पाव भाजी। पाव का मतलब है ब्लू कॉर्नर, आपका का मतलब है मैं रेफरी हूं, मैं ही उधर रेफरी हूं, उन्हें उधर खड़ा रहूंगा। तो यहाँ पे मेरे राइट पे रहेगा जहाँ पे सुबी चप्पू सुबी ये मारना है, ओके। हाँ बैट से ऊपर, यहाँ से बैट के नीचे फॉर्म है, यहाँ से ऊपर मारना है आपको, ठीक है। अब स्कोरिंग में बताता हूँ,
यस, यहाँ पे मारना है आपको, फेस पे भी मार सकते हैं, ये ऐसे मुड़ गया तो बैक पे भी मार सकते हैं, पर फेस पे और आंखों में देखना है, नेवर लुक डाउन, आंखों में देखना है वन थिंग, और टोज पे जंप करना है, टांग इतनी भी नहीं खोलनी है, इतनी भी नहीं खोलनी, ठीक है, प्रॉपर जितना आपका शोल्डर है, शोल्डर से थोड़ा ज्यादा खोल सकते हो, 45 डिग्री में हाथ आगे, अपने आपको शीशे में देख सकते हो। ब्लू कॉर्नर को क्या बोलते हैं? रेड कॉर्नर को बैठ जाओ। ओके यो, जब आप फटाफट दस दिन मारो, खड़े हो जाओ, very nice, go push karo brother, knee aage wala palm ko reach, yes magic, knee sun she, aise point le sakte ho, aise point le sakte ho, aise point le sakte ho, side pe point le sakte ho, back pe point le sakte ho, आप मोशी के यहाँ पे कैसे चाहिए, आंखों में देखना है, आई कॉन्टेक्ट चाहिए, रिदम चाहिए, स्पीड चाहिए, फोकस चाहिए और पावर चाहिए, तो स्किल भी होता ये करके पॉइंट ले सकते हो आप, ठीक है, या ऐसे है, देखो ये ऐसे है, हमेशा स्विच भी करना है अपना मूवमेंट, जैसे आप ऐसे हो ना तो जरूरी नहीं है कि राइट लेग पीछे रहेगी और ऐसी फाइट करनी है पूरी दो मिनट, नहीं आप ऐसे कर लो, ऐसे करने से क्या फायदा होता है, फाइट पर ये ऐसे है ना, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया किक भी करना है, किक जिस किक अच्छी हो किक करो, हाँ करमा कर लिया किक करो, करमा पास करो किक अच्छी इसकी ना, हाँ वेरी गुड, किक करो किक करो बेटा, लग नहीं चाहिए, जो सात बच्चे नेशनल नहीं आ सक रहे हैं उनके मैं नाम लूंगा जो अभी सिलेक्ट नहीं हुए, तो ये ऑन रिकॉर्ड है, एक तो है ये एक है वो कहाँ गया, ये इसको कैसे हाथ नीचे रखता है, और ये भी नॉट कमिंग, आई एम किडिंग, कराटे सेशन समाप्त हुआ है, अभी हम टी ब्रेक कॉफी ब्रेक ले रहे हैं इंस्टेड, इसके बाद रग्बी, विल गो फॉर रग्बी, मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स जो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का, अगर हम अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो इससे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकली फिट हों, और मुझे नहीं लगता कि मेंटली बच्चा फिट हो पाएगा अगर फिजिकली फिट नहीं है, तो
अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो आई एम माई सेल्फ अ स्पोर्ट्समैन, मैं अच्छा बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, अच्छा यू नो टेबल टेनिस भी खेल लेता हूँ, क्रिकेट भी, और बचपन से मुझे खुद भी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा रुझान था। अब जहाँ तक रहती है रूट्स कंट्री स्कूल की बात, तो हमें क्योंकि एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ बच्चों को देनी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने शुरू से ही जो जो भी हम स्पोर्ट्स की फील्ड में कर पाए, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास हीटेड स्विमिंग पूल है यहाँ पर, विच इज़ आई थिंक फर्स्ट इन दी एंटायर स्टेट। देन अगर आप बात करें दूसरी स्पोर्ट्स की, तो कराटे में हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बच्चों का बना था वो भी रूट्स कंट्री स्कूल से बना था, और बहुत सारी लड़कियां भी आज, एक बार हमारे पास 100 गर्ल्स को इकट्ठा ब्लैक बेल्ट्स बनी थी, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। अब जहाँ तक रहता है दूसरी स्पोर्ट्स, वो फुटबॉल हो गया या बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बच्चे जो है इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपने जैसे बताया रग्बी हमारे लिए एक नया स्पोर्ट ज़रूर है, बट वी नो दैट इट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन द एंटायर यूरोप एंड अमेरिका में भी इसका बहुत बड़ा बोलबाला है। तो वी रियली फील फॉर्चुनेट कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये जो रिलेशन शुरू हुआ है ये बहुत सालों तक हमारा चलता रहेगा, और हमारे पास बहुत पोटेंशियल है बिकॉज हमारे बच्चे काफ़ी फिट। सो दीज आर द फोर हाउसेज इन रूट्स कंट्री स्कूल। दिस इज अ विक्टर रेड इन कलर, रिस्पेक्ट ऑल फियर नन। देन वी हैव पायोनियर, आईज ऑन द राइज। देन वी हैव वॉरियर, डिफेंड टिल द एंड। एंड क्रुसेडर्स, बिलीव एंड अचीव। ब्यूटिफुल। एंड ये देखो गाइज, हमारा कराटे का और शिकोकन गुजोरियो इंडिया द्वारा जो मिस्टर सुनील रोहटा जो प्रिंसिपल हैं, अब वो एक्चुअली एमडी हैं, और मिस कृति रोहटा मैम प्रिंसिपल हैं। तो ये बना था 100 प्लस ब्लैक बेल्ट्स, तो ये लिम्का रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, इट्स वेरी आइकॉनिक। और लिम्का रिकॉर्ड होल्डर भी मैं आपको दिखाऊँगा, हमारा वो लिम्का बुक में जो मैंशनड है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल लॉबी यू कैन सी। ये 5-स्टार की लॉबी लगती है एक्चुअली। यू कैन सी द सिटिंग एरिया, पीछे अकाउंट ऑफिस है और एमडी सर का ऑफिस है। दिस इज़ द पेस्ट्री शॉप वेयर यू कैन हैव केक्स, पेस्ट्रीज हैं। और ये देखिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एंड द पेज नंबर इज 47। और ये है देखिए लार्जेस्ट ब्लैक बेल्ट ग्रेडिंग, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत प्राउड का मोमेंट है यार, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे रूट्स कंट्री स्कूल का नाम है और शिकोकन इंडिया का नाम है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल बुक। कपड़े बच्चों के सूख रहे हैं आराम से। तो फाइनली बारिश रुकी है और इसके बाद हम शुरू करेंगे रग्बी। रग्बी के बारे में सुना है किसी ने पहले? क्या सुना? और कुछ भी सुना हो वहाँ पर? विलियम्स हेग, विलियम्स एलिस, विलियम्स बेल एलिस, तो 1823 में 200 साल पहले तो उन्होंने गेम की शुरुआत की थी। वो फुटबॉल ही खेल रहे थे लेकिन उन्होंने बॉल पकड़ा और भाग गए वो बॉल लेके, तो नया गेम इन्वेंट हो गया। तो इट्स बीन 200 ईयर्स, 200 साल पुरानी गेम है हमारी। ओलंपिक्स में गेम है फुटबॉल के बाद, पूरी दुनिया में रग्बी ही खेली जाती है, पर यहाँ पता नहीं होगा, मोर देन 100 कंट्रीज में रग्बी खेली जाती है। और इसमें जो पासिंग होती है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे 7 बंदे इधर होंगे 7 उधर होंगे, इधर वालों को उधर जाना है, उधर वालों को इधर आना है। 100x70 का ग्राउंड है, ठीक है। जैसे इसमें लाइन होती है, जैसे ट्राई लाइन होती है, वहां पे जाके ऐसे रखेंगे बॉल, 5 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, भागना बस बॉल को लेके, भागे 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 ऐसे रख देना। तो इतना आसान ही है ना, दूसरा आपको पकड़ेगा भी, टैकल करेगा, ये करेगा, ठीक है। जब आप वैसे रख के 5 पॉइंट मिल जाएंगे, फिर आपको किक मारने का भी मौका मिलेगा, फिर आप किक कन्वर्ट करोगे, बार होते हैं, ठीक है, 3 मीटर से ऊपर का एच शेप का बॉल होता है, फिर आपको 2 पॉइंट और मिलते हैं। और बीच गेम में आप किक मार के भी पॉइंट ले सकते हो। और ये है पासिंग रिसीव, मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करो इस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो, पासिंग इजी 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 इजी। देख के देख के, दौड़ो ना फास्ट, ठीक है। ऐसे फिर ये वाला
चलो चलो आप Yes, एक और बार नाइस nice. अब सबसे पीछे जाओ टर्नओवर मतलब इस टीम से उस टीम के पास बॉल टर्न हो गई है मतलब बॉल हमारे पास थी उस टीम को मिल गई वो कब मिल सकती है मान लो मैंने पास कर दिया इसे इसे छोड़ दी बॉल छूट गई इसे बॉल तो आपको बॉल मिल जाएगी टर्न हो जाएगी बॉल वहीं पे जहाँ गिरी होगी वहीं से आप स्टार्ट करोगे रूल आ गया समझ और दूसरा जैसे मान लो ये आउटलाइन है मैं उनको पास करते करते बना नहीं दिया एक हो गया नॉक ऑन का टर्न ओवर एक हो गया ये एक टर्न ओवर के हम आगे बढ़ रहे गलती से फॉरवर्ड पास कर दिया आगे कर दिया बॉल कर दिया ना मैंने बैकवर्ड होता है तो भी टर्न ओवर तो भी बॉल इनको मिली सुनाऊंगा आपको आज हम सिलेक्ट करेंगे 14 से 15 लड़कियां डिस्ट्रिक्ट शिमला की और मैंने फिर से बोला जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के बाहर है किन्नौर से है सोलन से है मंडी से वो सब भी चलेगा क्योंकि हम पूरी हिमाचल की बॉडी है अगर अच्छा लगा हमें हम लेके जाएंगे और जो लद्दाख से है चंडीगढ़ से है इजी इजी हाँ वेरी गुड इजी हाँ वेरी गुड आगे आगे वेरी गुड वेरी गुड हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हैं आप बॉय से भी अच्छा कर रहे हैं वेरी गुड आगे भाग रहा हूं इसको बोल रही तेज भाग रही पीछे पास कर रहे हैं इसको हो जाऊंगा आगे भाग फाउल फॉरवर्ड पास टर्नओवर दूसरी टीम को बॉल यहीं से ओके नो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट करो ठीक है गुड गोइंग कम ऑन फास्टर तो हमारा जो सिलेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है हमने गर्ल्स और बॉयज की अंडर 18 की टीम बना So this is the gym in Roots Country School. और ये है अनिल सर यहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर हेलो सर और ये देखिए शानदार जिम वाओ ऑलमोस्ट एवरी इक्विपमेंट इज हियर नाइस तो ये देखिए सर के कुछ अवार्ड्स अनिल शर्मा जी के पेन इज टेम्पररी प्राइड इज फॉर एवर वाओ तो आप सबको पता है कि यहाँ पर रूट्स कंट्री स्कूल में जितना भी स्टाफ है सब प्रोफेशनल स्टाफ है और उनको सिलेक्ट किया जाता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट We are in Art and Craft Department of RCS. तो यहाँ पर भी बच्चे लगे हैं मेहनत कर रहे हैं ये देखे लग रहे हैं शायद रग्बी में और कराटे में देखा था देखिए कितने ज़्यादा कलाकार हैं ये लोग और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं मल्टी टैलेंटेड तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर चर्बी ये कितना खाता है तो अभी हम आए हैं अनिल सर के स्टाफ क्वार्टर्स और यार जब हम लोग 10-12 साल पहले आया करते थे 2011-12 में तो हम यहीं पे रुकते थे यही होता था घर तो यादें ताज़ा हो गई ये घर था और गुप्ता सर अनिल सर और हम जो 2-3 बंदे आते थे तो यहाँ रुक हाय गुड मॉर्निंग पीपल तो अब निकलने की बारी आ गई है इट्स टाइम टू लीव और मैं जा रहा हूँ रूम मैंने थोड़ा साफ कर दिया है और आज का व्यू शानदार है धूप खिल गई है आज आप देख सकते हैं
तो इट्स लुकिंग, तो मैं जाने से पहले एक बार थिएटर हॉल देखना चाह रहा था। अनिल सर देखिए यूनिफॉर्म में रेडी है। तो ये है सिनेमा थिएटर हॉल जहाँ मूवीज हर संडे को दिखाते हैं अनिल सर। सैटरडे संडे मूवीज चलते गाइस। देखो ऐसे लग रहा है कोई प्रोफेशनल सिनेमा। वाह यार PVR की फीलिंग आ रही है। और मुझे याद है हमने यहाँ पे कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था एक बार। और कितनी कैपेसिटी है? 240 240 लोगों की यहाँ पर फैसिलिटी है। कोई आपको कुछ PPT प्रेजेंटेशन या किसी को कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो। और मूवी सैटरडे संडे चलती है। अमेजिंग यार, बढ़िया सीट्स, लेदर सीट्स, मूवी। तो मैं देखना चाहूंगा द केरला स्टोरी, जो ट्रेंड हो रही है आजकल केरला स्टोरी। बेकरी यहाँ पर बनते हैं बंस, पेस्ट्रीज, केक्स। भैया अभी डो बना रहे हैं। और मेरे को पूरी वो 5-स्टार वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। देखो ओवन, बड़े बड़े ओवन हैं और हर चीज़ रेडी हो रही है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ देखी, मैंने जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे प्रोफेशनल लेवल के। ये देखो ब्रेड कटर है, स्प्लैचुला, ये देखिए दिस चॉकलेट सॉस, सिरप्स, जो जो चीज़ें चाहिए बेकरी के लिए, सोडा, वनीला पाउडर, एवरीथिंग इज हियर यार। ये है लॉन्ड्री, लॉन्ड्री ये देखिए मशीन, देखिए सर यहाँ पे आयरनिंग कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी हाईटेक, हाँ हाईटेक मशीन है, स्टीम आयरनिंग हो रही है। और वाह यार, बड़े बड़े ड्रायर्स, ये देखिए जब से स्कूल चल रहा है तब से सेवाएं दे रहे हैं सर हमारे। वाह, दिस इज द स्विमिंग पूल। हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी 5-स्टार फैसिलिटीज है, इसीलिए कह रहे हैं। और ये काफी बड़ा है यार, ये देखो। वाह, और थोड़े इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर, नो डाइविंग, नो रनिंग, नो ईटिंग, ये सब जो होता है। और यहाँ पर रोस्टर्स हैं, फायर एग्जिट हैं। और सामने देखिए प्रिंसिपल सर भी कुछ, डायरेक्टर सर कुछ ब्रीफ कर रहे हैं। ये देखिए अमेजिंग। और सामने देखिए व्यू। और ये ग्राउंड बहुत जल्दी तैयार होने वाला नहीं सर। और इसमें ना सर से मैं बात कर रहा था, तो ये बास्केटबॉल और वो सब इसमें अभी फ्लोरिंग बिछ रही है। 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और ये शायद 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा। नहीं अभी 1 वीक के अंदर। अच्छा 1 वीक के अंदर, हाँ तो 1 वीक के अंदर इट्स गोना बी रेडी। और सामने देखिए फाइटिंग USI मिक्स मार्शल आर्ट हॉल। तो एवरीथिंग इज हेयर गाइज। और यार कूदने का मन कर रहा है लेकिन कपड़े पहने अभी। और सामने है चेंजिंग रूम। और सर है हमारे डाइविंग एक्सपर्ट, मछली की तरह तैरते हैं। पिछली बार उन्होंने हमें सिखाया था तैरना। सामने सेब और यहाँ स्विमिंग पूल, हर जगह से पूरा एप्पल। ये नेचर और टेक्नोलॉजी जो मिल रही है ना यार, वो देखते ही मजे आते हैं। देखो वाह। तो फिर मैं निकल रहा हूँ और हमारे साथ अनिल सर और जगमोहन सर। और ये दोनों बैकबोन है स्कूल की, जैसे आप सबको पता है, बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूँ सर को। और सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफिकल्टी रहती है इतना बड़ा स्कूल, 1000 बच्चे लगभग है, उनको मैनेज करना? देखिए ये हमारे लिए चैलेंज तो नहीं है, बट वी आर इन टू द सिस्टम नाउ एंड वी फील वी लव इट। और ये हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ है, हम इसको एक अपने स्कूल को एक अपना एक प्राउड फील करते हैं बीइंग रूटीन। तो हमारे लिए बहुत इजी लगता है हमें ये सारी चीजें, अब एक सिस्टम बैठा हुआ है हर चीज। सो इट्स द टाइम टू से गुड बाय टू दिस स्प्लेंडेड स्कूल एंड दिस ब्यूटीफुल बागी। तो यार अच्छा लगा बहुत, 2 दिन का टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, MD सर बहुत, और बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव और सेंसिटिव। तो मज़े आए। तो फिर अब मैं वापस जाऊँगा शिमला एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।